वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं इस तरह प्लास्टिक वायर बैग के हैंडल्स। एक हैंडल को बनाने के लिए हमें चार वायर चाहिए, दूसरी हैंडल को बनाने के लिए हमें चार वायर चाहिए, सो पूरा हमें 8 वायर चाहिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसको बैग में सही तरीके से लगाने के लिए पहले बैग में हमें मेजरमेंट करना होगा। सो मेजरमेंट करने के लिए बैग को इस तरीके से पलट कर रख लीजिएगा। जो पहला रो होते हैं ना, हाइट की पहला रो, जो कॉर्नर वाला, जो कॉर्नर से हमने काउंटिंग करना है। कॉर्नर से हमें 7 नॉट तक काउंटिंग कर लेना है। काउंटिंग करने के बाद देखिए इस तरीके से ऊपर की तरफ आना है। ऊपर के आने के बाद ऊपर से 4 नॉट की नीचे काउंटिंग करना है। देखिए ऊपर से 4 नॉट, उसके नीचे जो गैप होती है ना 4th नॉट के नीचे, उस गैप पे हमें वायर को डाल देना है। ये मार्किंग जैसे समझ लीजिए, यहाँ पे हमें वायर को लगाना है। ठीक है, उसी तरीके से हम नेक्स्ट साइड भी करना है। उसी तरीके से 7 नॉट तक काउंटिंग कर लिया। करने के बाद ऊपर से 4 नॉट काउंटिंग करके 4th नॉट की जो नीचे वाला गैप होता है वहाँ पे हमें वायर को डाल के दूसरे गैप से वायर को बाहर निकाल देना है। देखिए इस तरीके से होना चाहिए, ये मार्किंग है, यहाँ पे हमें वायर को डालेंगे। ठीक है, अब वायर को हमें कट करना है हैंडल्स लगाने के लिए। सो हमें, मैंने यहाँ पे 1 फीट स्केल ले लिया है, ये 1 फीट है और ये 2 और 3 4 5 1/2। देखिए हमें 5 1/2 फीट चाहिए, सो इसलिए मैंने यहाँ पे रख के कट कर लूँगी। अब इस वायर को मैंने कट कर लिया, सो उसी वायर को हम यूज़ करके बाकी सभी वायर को भी मेजरमेंट करके कट करके ले लेना है। सो पूरा हमें 8 वायर चाहिए 5.5 फीट पे, 5 1/2 फीट पे। अब मैंने पूरा 8 वायर को कट करके यहाँ पे मैंने 4 वायर को ले लिया है, क्योंकि हमें एक साइड हैंडल लगा रही हूँ सो इसलिए 4 वायर, दूसरी साइड के लिए हम 4 वायर इस्तेमाल होंगी। तो इस वायर को हमें क्या करेंगे, पहले हमें इसे बैग में डालना है। तो बैग में डालने के लिए जो पहले यहाँ पे मार्किंग किया था ना, उस जहाँ पे हमें इस वायर पीस को बाहर की जो गैप होते हैं वहाँ से हम इस वायर को अंदर डाल के अंदर की साइड से हम बाहर निकालना है इस वायर को। ठीक है, अब इसी तरीके से हम बाहर निकालने के बाद ये जो वायर होते हैं ना वो डबल हो जाते हैं। सो ये देखिए इस तरीके से मैंने बाहर निकाल दिया। सो ये 4 वायर थी। अब गैप से बाहर निकालने के बाद यहाँ पे देखिए 8 वायर हो गया है। सो इस वायर की 8 वायर को भी लेंथ एंड जो होती है ना वो बराबर होना चाहिए। सो बराबर रखते हुए हमें इस वायर को इस तरीके से खींच के, यहाँ पे थोड़ा टाइट होगा सो यहाँ पे सही तरीके से खींच के तो इस वायर के एंड को बराबर कर लेना है। सो मैं बराबर करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पूरा 8 वायर है, सो 8 वायर की लेंथ सेम है। सो इस तरीके से सही तरीके से बराबर रखते हुए पकड़ लेना है। सो अब यहाँ पे हमें हैंडल्स लगाना स्टार्ट करते हैं। सो पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 4 वायर होते हैं, सो राइट हैंड साइड में 4 वायर होते हैं। सो पहले यहाँ पे बैग को ऊपर की साइड रखते हुए पकड़ लीजिएगा। बैग की जो ओपन साइड होते हैं वो हमारे सामने होना चाहिए, ऐसे रखते हुए हमें बैग को रख लेना है, तभी सही तरीके से हैंडल्स ऊपर की तरफ आएगा। राइट की पहला वायर को इस तरह से सेंटर में रखिएगा, उसके ऊपर जो लेफ्ट की पहला वायर को ऐसे रखना है। लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट दोनों खत्म हो गया, अब फिर से हम राइट हैंड साइड जाना है। राइट की सेकेंड वायर को यहाँ पर देखिए, राइट की पहला वायर उसके अपोजिट वायर की ऊपर या नीचे इसको देखिएगा। सो उस राइट की पहला वायर है उसके अपोजिट वायर की नीचे है, सो हमें सेकेंड वायर को, राइट की सेकेंड वायर को ऊपर रखना है। ठीक है, लेफ्ट वायर के ऊपर रखना है। सो लेफ्ट राइट खत्म, अब लेफ्ट साइड आ गया है। लेफ्ट साइड आने के बाद लेफ्ट की सेकेंड वायर को लेना है। सेकेंड वायर को लेकर अब यहाँ पे देखिए, लेफ्ट के पहला वायर है उसके अपोजिट वायर के ऊपर रखा था या नीचे रखा था, ठीक है, हमने ऊपर ही रखा था, यानी राइट वायर के ऊपर रखा था। सो यहाँ पे लेफ्ट की सेकेंड वायर को नीचे से स्टार्ट करना है। ठीक है, जो नीचे से रख के उसकी एक और वायर है उसके ऊपर ऐसे रख लेना है। ठीक है, जैसे मैं बता रही हूँ यहाँ पे देखिए दोनों हाथ से दो दो वायर आ गया है। अब फिर से हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड जाना है। ठीक है,
अब राइट की तीसरी वायर को ले लेना है। सो ये देखिए, इस वायर को लेकर थर्ड वायर को लेकर नीचे से स्टार्ट करना है, क्योंकि राइट की जो सेकेंड वायर है वो ऊपर है। ये देखिए, ऊपर से स्टार्ट हुआ है। सो यहाँ पे हम नीचे से स्टार्ट करके एक और वायर है उसके ऊपर ऐसे रख लेना है। नीचे तीन वायर आ गया है। अब यहाँ पे देखिए, लेफ्ट की सेकेंड वायर नीचे से स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, थर्ड वायर को, लेफ्ट की थर्ड वायर को ऊपर से स्टार्ट करेंगे। देखिए, ऊपर से स्टार्ट करके एक और वायर के नीचे से रखने के बाद इस तरह खींच के टाइट कर लीजिएगा इस तरह से। अगर आपको स्टार्टिंग आपको ऊपर या नीचे समझ में आ गया तो उसके आगे ऐसे ही ऊपर नीचे करते ही जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फोर्थ वायर को, राइट हैंड साइड की फोर्थ वायर को ले लिया है। ऊपर से स्टार्ट करके इसके नीचे से और फिर से इसके ऊपर ऐसे ऐसे रखते हुए हमें स्टार्ट करके एंड कर लेना है। ये देखिए फोर्थ वायर, क्योंकि थर्ड वायर जो है वो नीचे से स्टार्ट हुआ है, इसलिए हमें फोर्थ वायर को ऊपर से स्टार्ट किया है। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, ये देखिए ये ऊपर से स्टार्ट हुआ है। सो हमें फोर्थ वायर को नीचे से स्टार्ट करेंगे, नीचे से लेकर ऊपर और इसके नीचे और फिर से इस वायर के ऊपर। ऐसे करने के बाद देखिए, यहाँ पर चार वायर भी पूरा कम्प्लीट हो गया है। इस साइड भी चार वायर आ गया और उस साइड भी चार वायर आ गया। सो अब हमें यहाँ पे एक फिक्स कर लिया है वायर को। अब देखिए, यहाँ तक हमें वायर को सेट कर लिया है सही तरीके से। अब यहाँ से हमें हैंडल्स को लगाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, ये देखिए जो वायर होते हैं ना, सुपर इन दोनों वायर्स के नीचे से आ रहा है। देखिए इस तरीके से दोनों वायर की सेंटर से आ रहे हैं। ये इस जो राइट हैंड साइड वायर देखिए, ये सिर्फ नीचे से है। ये दो इस तरीके से होना चाहिए कुछ, इस तरीके से। इस बात को ध्यान रखिएगा, या फिर आप हमेशा जैसे मैं बता रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वायर को राइट हैंड साइड ऐसे लेके आना है। लेके आने के बाद यहाँ पर देखिए, राइट हैंड साइड देखिए पूरा चार वायर है। सो पहला वायर होती है ना, जो ये फर्स्ट वायर की नीचे से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। जो यहाँ इस वायर को लेकर आया था, इस वायर को हमें नीचे से लेकर और सेकेंड वायर के ऊपर, थर्ड वायर के नीचे से लेकर और फोर्थ वायर के ऊपर ऐसे रख लेना है, ठीक है। अब ऐसे टाइट करेंगे। अब फिर से हमें क्या करना है, ये जो वायर हमें पहले छोड़ा था ये अकेले है, इस वायर को फिर से इस साइड लेके आना है, यानी लेफ्ट साइड लेके आना है। लेफ्ट साइड लेके आने के बाद यहाँ पे देखिए, जो इस वायर को, मतलब यहाँ पे पहला वायर को नीचे से स्टार्ट करना है। यहाँ पे बस हमें लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड भी हमें नीचे से ही स्टार्ट करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नीचे से लेकर इस वायर के ऊपर और इस वायर के नीचे और फोर्थ वायर के ऊपर ऐसे रखने के बाद खींच कर टाइट कर लीजिए। अब यही प्रोसेस है पूरे हैंडल्स में, बस इसे ही हम कंटिन्यू करते जाना है। अब इस वायर को लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है। लेके आने के बाद ये जो वायर होती है ना, जो फोर्थ वायर, उसको हम नीचे से लेके आना है। इस वायर को फोर्थ वायर के नीचे से लेकर इस वायर के ऊपर और इस वायर के नीचे और इस वायर के ऊपर, देखिए इसके बाद टाइट कर लीजिए। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो इस वायर को, देखिए मैं बताती हूँ, इस वायर को लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए। आने के बाद जो पहला वायर को छोड़ दीजिए, छोड़ के उसके आगे की सेकेंड वायर के ऊपर और थर्ड वायर के नीचे और फोर्थ वायर के ऊपर ऐसे रख लेना है। इसी तरीके से हम पूरा हैंडल्स को ऐसे ही कंटिन्यू करते जाना है। जो पहला वायर को हमें नीचे से लेकर उसके ऊपर और उसके नीचे और एक और वायर के ऊपर ऐसे रख के हम कंप्लीट करते ही जाना है। राइट साइड वायर को लेफ्ट साइड लेके आना है और लेफ्ट साइड वायर को राइट साइड लेके जाना है। सो लेके जाने के बाद जो पहला वायर के नीचे से स्टार्ट करके सेकेंड वायर के ऊपर, थर्ड वायर के नीचे और फोर्थ वायर के ऊपर ऐसे हम कर लेना है। यहाँ से देखिए इसी तरीके से, या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हो, जो पहला वायर को आप छोड़ दीजिए, उसके आगे के वायर पे ऊपर नीचे और ऊपर ऐसे रखना है, ठीक है। क्योंकि पूरा चार वायर है, सो ऊपर नीचे ऐसे भी। यहाँ पे एक बात को याद रखिएगा, जो चारों वायर भी सही तरीके से सेट होने के बाद हम सिर्फ एक ही प्रोसेस को फॉलो करना है, नीचे से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो सेम प्रोसीजर है, ऐसे ही हम कंटिन्यू करके पूरा हैंडल्स की बुनाई करते ही जाना है। सो ऐसे ही है, देखिए मैंने पूरा हैंडल्स को बुनाई कर लिया है। नीचे से देखिए थोड़ा सा वायर को छोड़ा है ताकि फिनिशिंग करने के लिए, ठीक है। इंच टेप से मैंने मेजरमेंट किया है। सो इंच टेप से मेजरमेंट किया है तो 21 इंचेस आया था, या फिर आप स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इतना तक मुझे काफ़ी है। सो इसको मैंने यहाँ पे एक नॉट डालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए
अब इसको हमने एक नॉट क्रिएट करना है ताकि ये खोले ना। सो यहाँ से देखिए इस वायर को इस तरह से इस ऊपर से आ रहे हैं ना, इस वायर को पीछे से घुमाते हुए एक लूप जैसे क्रिएट करना है। देखिए इस तरह से लूप जैसे क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जो लूप आता है उसके अंदर इस वायर को ऐसे डाल के देखिए इस तरह से बहुत टाइट से खींच लीजिएगा ताकि ये खोले ना। ठीक है, अब इसे हम हाथ छोड़ेंगे तब भी ये निकलता नहीं है, बहुत टाइट से मैंने। अब यहाँ पे हमें फिनिशिंग करना है। सो दूसरी साइड में मार्किंग किया था ना बैक में, वहाँ पे हमें चार वायर अलग कर लेना है। सो एक एंड में चार वायर है, दूसरे एंड में चार वायर, ऐसे करते हमें अलग कर लेना है। सो यहाँ पे हमने नाट के लिए एक मेजरमेंट लगाया था ना, देखिए इस वायर को निकाल दिया है। सो फिर से मैंने लगा के आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पे हमें एक गैप में चार वायर को डालना है, दूसरी गैप में चार वायर को डालना है। अब इसी तरह से डाल के हम पीछे से देखिए अच्छे से खींच लीजिएगा तभी अंदर जाता है। सो देखिए एक गैप में चार वायर और दूसरे गैप में चार वायर, ऐसे करते हुए मैंने अंदर की साइड डाल दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक एक वायर को उठा के हम नाट लगाना है। ठीक है, टाइटली खींच के नाट लगाना है। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी है यहाँ पे फिनिशिंग करना। बस हर एक वायर को लेना है, लेके इस तरीके से टाइटली खींच के नाट लगा लेना है। इसी तरीके से हर एक वायर को अलग अलग से नाट लगा लेना है। नाट लगाने के बाद हम सभी वायरों को इस तरह नाट के बीच में फंसा लेना है। ठीक है, जो पहले हमने यहाँ पे फिनिशिंग किया था ना जो, उसी तरीके से सभी वायरों को यहाँ पे नाट जो होते हैं वहाँ पे उसके अंदर इसी तरीके से फंसा लेना है, यानी इंसर्ट कर लीजिए। ठीक है, सभी वायरों को इंसर्ट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सो इंसर्ट करने के बाद बाकी बचा वायरों को सीजर की मदद से कट कर लेना। यहाँ पे देखिए मैंने सभी वायर को कट कर लिया है। सो एक वायर को मैंने अभी भी कट नहीं किया है, इससे मैं अब कट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए जो सभी वायरों को मैंने इस तरह नाट के बीच में इंसर्ट करने के बाद एक्स्ट्रा वायर को इस तरीके से कट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हैंडल जो होते हैं वो स्ट्राइट में रुकना चाहिए, ये रुकता नहीं है, ऐसे ही गिरता रहता है। सो इसके लिए हमें क्या करना है, छोटा सा पीस वायर ले लेना है इस तरीके से, लेके इस यहाँ पे जो गैप होते हैं वहाँ पे इस वायर को डालना है। इस तरीके से जो पहला वाला रो होते हैं ना वहाँ पे गैप, जो इस हैंडल के पास में गैप होते हैं वहाँ पे इस वायर को डाल के हम अंदर की साइड एकदम खींच के एक नाट डाल देना है। ठीक है, एकदम खींच के टाइट से होना चाहिए, या एक या दो बार डाल सकते हो। डालने के बाद हम बाकी एक्स्ट्रा वायर जो होते हैं ना उससे हम यहाँ पे नाट के बीच में इंसर्ट कर देना है। ठीक है, नाट के अंदर फंसा दीजिएगा, एक्स्ट्रा वायर को कट कर लेना है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी कर लेना है। ठीक है, ऐसे ही करके हम इस बैग को हैंडल्स पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं है। इस बैग के हैंडल्स पूरा बन के तैयार हो गया है, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। इसी तरीके से हम अपोजिट साइड पे हैंडल्स को लगाना है।